हेलो गाइस एवरीवन, फिर से एक नया वीडियो पर आप लोगों का स्वागत है। तो गाइस आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। देखिए जो ये रिक्शा है तो ये पूरी तरह से डेड हो गया। तो इस रिक्शा का प्रॉब्लम क्या है आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे और आप लोगों को बताएंगे। ओके, तो सबसे पहले देखिए गाइस, जो इस रिक्शा का ऑपरेटर था, ऑपरेटर ने बोला तो जो कीचड़ में हमारा रिक्शा फंस गया था। फंसने से क्या हुआ, बहुत ही ज़्यादा प्रेशर में लोड आया था रिक्शा में। लोड आने से उसका जो मोटर पूरी तरह से हीट हो गया था। तो हीट होने से दो एक बार झटका मारा, उसके बाद उसका रिक्शा पूरी तरह से बैठ गया। तो सबसे पहले देखते हैं हम क्या है इस रिक्शा में। तो देखिए इस रिक्शा का जो इग्निशन स्विच है, देखिए लाइट फाइट सभी सेम आ रही है। इसका जो हॉर्न है और जो लाइट है सभी कुछ सेम है, ठीक है, कोई बात नहीं। बस हम इसका जो एक्सलेटर है ये काम नहीं कर रहे। तो क्यों काम नहीं कर रहे, चले हम जानते हैं। जानने से पहले अगर आप इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में नोटिफिकेशन है उसे भी ऑल कर दीजिए, क्योंकि हमारे इसी तरह का वीडियो आपको डेली मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए गाइस, जब भी आपका किसी रिक्शा कीचड़ में फंस जाएगा, किसी तरह से जो रोड में फंस जाएगा, बहुत ही हेवी लोड पड़ेगा रिक्शा के अंदर, तो उस रिक्शा में मोटर अगर हीट हो जाती है तो आप सोच लेना कि मोटर से प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम मोटर को ओपन करते हैं गाइस। सबसे पहले हम मोटर को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद अगर मोटर में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आ रही तो हम दूसरा पॉइंट को चेक करेंगे। चलिए गाइस हम शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले तो गाइस देखिए, इधर पे एक, इधर पे एक, इधर पे एक, तीन नट होती है हमारा मोटर को। तो पीछे में जो नट होती है तो लगा हुआ नहीं था, तो हम इसको खोल लेते हैं थोड़ा सा, इधर पे ठोकेंगे और उसके बाद मोटर को हम इधर से खींच कर बाहर निकाल लेते हैं। ये देखिए हमारा मोटर आ गया। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, मोटर को ओपन कर लेते हैं। तो ओपन करने के लिए अब बस कोई सिंपल सा आपको स्क्रू ड्राइवर लाइए। तो देखिए पूरा जाम है, धूल और मिट्टी से जाम हो गया। इधर पे आपको तीन नट मिलेगा, तो इधर पे दो ही लगा हुआ है, तीन भी है, वो बैंड हो गया। उसके बाद हम स्क्रू ड्राइवर की मदद से ये जो शार्ट क्लिप होती है इसको हम ओपन कर लेते हैं। अब थोड़ा थोड़ा करके दबाना है इधर पे। ये बहुत ही जोर से हुआ तो कोई बात नहीं, हम इसको खोल लेते हैं। अब तो हम खोलने के लिए बस 4 नंबर की एल की जरूरत है। ये भी टाइट है, इसमें खोल भी नहीं रहा है। थोड़ा सा हथौड़ी से हम सारे नट को प्रेस करते हैं। बस हम फिर से ट्राई करते हैं। तो देखिए गाइस, जो हमारे 4 नंबर की एलन की नट होती है तो इसको हमने देखे सारे रिमूव कर लिया हो। रिमूव करने के बाद आपको इधर पे थोड़ा सा है, बस हम इसको खोल देते हैं। देखिए गाइस, मैंने जो सोचा था पहले तो वही हुआ है। इस जो मोटर का सेंसर की तार है, तार टूट गया। ये मोटर बहुत ही ज़्यादा हीट हो गया था, हीट होने की वजह से ये जो सेंसर की वायर है ये टूट गया। ओके, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो टूटा हुआ तार है इसको हम सोल्डिंग करते हैं। सोल्डिंग करने के बाद देखते हैं हम मोटर चल रहा है कि नहीं। तो देखिए गाइस, जो हमारा मेन जो होती है हमारा 5 वोल्ट की वायर, तो 5 वोल्ट के वायर को हम सोल्डिंग करते हैं। पहले पॉइंट हो गया। दूसरा हमारा येलो, येलो ज़्यादातर में हमारा जो बीच में ही जाती है, मतलब पीछे आती है। देखिए हमने पीछे डाल दिया येलो को। और जो हमारा तीसरा आती है इधर से, हमने तीनों और सोल्डिंग कर लिया। बस हमको चेकिंग करने के लिए बस हम इस पे ढक्कन डालते हैं। ढक्कन को डालने के बाद दो ही नट डालेंगे इधर पे, चेक करेंगे। ओके, यहाँ पे एक नट अच्छा वाला, और देखिए ये भी अच्छा नहीं है, ये अच्छा है। दो नट डालेंगे हम, उसके बाद बस हम इसको टेस्टिंग करेंगे। ओके, तो देखिएगा हमारा फिटिंग हो गया कंप्लीट। हम बस टेस्ट करते हैं पूरा। हाँ देखिए हमारा सही तरह से चल रहा है, मतलब हमारा दूसरा कोई प्रॉब्लम नहीं था, बस यही प्रॉब्लम था हमारा रिक्शा में। बस हमको लोड के लिए टेस्ट करना पड़ेगा। ओके, तो गाइस देखिए, हमने टेस्टिंग के लिए हाथों से ही टाइट किया, जो इसका रेंच है इसी से हम नहीं टाइट किया।
बस हमको इसको चेकिंग करना है। ओके तो गाइस देखिए, मैं टेस्ट कर रहा हूँ इसको, तो इग्निशन को ऑन करता हूँ, उसके बाद देखिए झटका दे रही है। इस सारे झटका से चल रहे, ठीक से नहीं चल रहे, तो हमको देखना है इसका दूसरा क्या प्रॉब्लम है, इसी के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए गाइस, जो ये जो मोटर है ठीक तरह से नहीं चला, झटका मार रही है। जो पहले प्रॉब्लम था, दो वॉइट इसका, दो तीन वॉइट छूट गया था, तो हम फिर से इसको खोलना पड़ेगा। मैंने सोचा था 100% ये चलेगा सही कंडीशन में, तो मेरा प्लान पूरा फेल हो गया है। तो हम देख रहे हैं इसका बाद खराबी क्या है। तो देखिएगा इसका जो मोटर के ढक्कन है, हमने निकाल लिया तो पूरा धुआं धुआं आ रही है। कौन सी चीज़ से धुआं आ रही है, हम एक बार देखते हैं। तो सबसे पहले हम जो इस सेंसर होती है, इस सेंसर को निकाल लेती है। देखिए सेंसर ही जल गया पूरी तरह से। ओके सेंसर ही जल गया, तो कोई बात नहीं, हम नया सेंसर डालते हैं। तो डालने से पहले देखिए, ये टूटा हुआ था, छोटा सा अंदर घुस गया, तो इसको हम निकालते पहले। देखिए निकल गया आसानी से, वरना आपको मैग्नेट को खोल कर ही निकलना पड़ेगा। ओके तो हम बस इसमें डाल दें से नया सेंसर। तो आपने अगर शायद नहीं देखा है, तो जो सेंसर की कनेक्शन कैसे करना है, किस तरह से करना है, तो मेरा एक वीडियो मिल जाएगा आप लोगों को आई बटन में, इधर पे आपको लिंक मिल जाएगा, आप चाहे तो जाकर चेक कर सकते हो। ओके तो देखिएगा, जो इसका सेंसर था पहले, सेंसर की जो एक पॉइंट होती है, हमारा एक सेंसर होता है सेंसर प्लेट की, एक पॉइंट हमारा, देखिए एक सेंसर पूरी तरह से जल गया। तो शायद मैं सोच रहा हूँ कि इसका सेंसर नया डालने से सेंसर चलने लगेगा, हमारा मोटर चलने लगेगा सही कंडीशन में। तो हम क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले हमने नया सेंसर प्लेट डाल दिया हूँ, डालने के बाद हम इधर पे टाई लॉक की मदद से इसको अच्छी तरह से फिटिंग कर दिया। ओके हम फिटिंग करने के बाद जिस तरह यहीं पे जो ऑयल था, वही ऑयल हमने डाला, एक चांस में हमारा जो मोटर स्टार्ट हो जाएगा। ओके उसके बाद हम इसका जो ढक्कन होती है, इसको हम डाल देते हैं इधर पे, दो ही नट लाएंगे स्लीपर की तरह से। ओके तो देखिए हमने दो नट अच्छी तरह से टाइट कर दिया हूँ, उसके बाद हम घर पे देखिए थोड़ा सा उठा हुआ मिलेगा, बैठ गया, देखिए चल रहा है कि नहीं। हाँ देखिए सही कंडीशन चल रही है। ओके तो ठीक है, कोई बात नहीं, तो मेरा 101% हमारा ये मोटर चलेगा। तो चलता है कि नहीं है देखिए, आप लोग बस वीडियो से बने रहिए, बस मैं सारे नट बोल्ट को फिटिंग कर रहा हूँ। देखिए सेंसर जो जला हुआ था मिला हमको, अगर आपको जला हुआ नहीं मिलेगा तो आपका मोटर 101% नहीं चल सकती। ओके तो हमने सारे नट को डाल देते हैं। देखिए हमारा सारे नट बोल्ट टाइट हो गया, उसके बाद हम पंखा को डाल देते हैं फिर से। फिर से डालने के बाद हम इधर पे लॉक को डाल देते हैं। देखिए अगर हम इधर पे इसको जो ढक्कन है, इसको भी डाल देते हैं। ओके बस हो गया हमारा, इधर भी तीन स्क्रू मिलेगा, वो भी हम डाल देते हैं। स्टॉप कर दे, देखिए गाइस ये भी हमने सारे जो खापड़ी के नाट है ये डाल दिया। देखिए ये नहीं जाएगा क्योंकि देखिए इसका नाट ये नहीं है, बस ये निकाल लेना, इसीलिए डाला हुआ है। बस हम मोटर को आप डालते हैं ई रिक्शा में। ओके तो चलिए देखते हैं, ये देखिए हमने डाल दिया, थोड़ा सा मुश्किल होगा डालना, फिर भी हम डाल रहे हैं इसके पौधे। तो देखिए हमने इसका जो नाट है एलजी का, हम 5 नंबर की नाट, इसको हम डाल देते हैं तीनों में। बस हल्का सा हम टाइट करेंगे क्योंकि देखिए फिर भी प्रॉब्लम हमारे साथ हो सकती है। ओके Thank you.
बस हमने हाथों से जितना हो सके उतना डाइट कर दिया, बस हम इसको छोड़ देते हैं। ओके, अब हम जाएंगे टेस्टिंग करने रिक्शा को। तो देखिए नाम देखिएगा सब, हम देखेंगे रिक्शा चल रहा है कि नहीं। देखिए देखिए हमारा रिक्शा सही कंडीशन में आ गया है, सही तरह से चल रहा है। ओके चलिए हम थोड़ा सा डाइव टेस्ट करते हैं। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस मोटर की जो नट बोल्ट होती है उसको अच्छी तरह से टाइट कर लेना। ओके देखिए हमारा बहुत ही स्पीड से चल रहा है रिक्शा हमारा। तो हे गाइस, आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट भी। अगर आप इसी तरह के किसी भी समस्या पड़ते हैं तो हमारा इंस्टाग्राम आईडी पे जाकर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट करने के बाद हम एक घंटे के अंदर आपको तुरंत रिप्लाई करेंगे और समस्या को दूर भी करेंगे। तो अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में नोटिफिकेशन उसे भी ऑल कर लें, क्योंकि हम इसी तरह का वीडियो आपको मिलते रहेंगे।